अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी मौसम बिल्कुल, जी मौसम बदल गया है। अक्टूबर, आज 7 अक्टूबर है और अब सर्दियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी हैं। और जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो एक सबसे बड़ा इशू, जो बहुत से इशूज़ होते हैं लेकिन एक बड़ा इशू ये होता है कि बाल बहुत रफ़ हो जाते हैं। उसकी वजूहत वेदर भी होते हैं, दूसरी वजह इसकी गर्म पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। तो हॉट वाटर जो है वो बालों को ख़राब करता है, रूखा कर देता है। उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, कोशिश करें कि ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ मत करें। तो चले, अगर आप यूज़ कर ही लेते हैं और आपके बाल रूखे हो जाते हैं तो उसके लिए हम एक ऐसा प्रोटीन मास्क मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको लगाने के बाद आपके बाल बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे और आपको फील होगा कि बाल बहुत अच्छे हो गए। तो जनाब, हमें अपने रूखे पीके बालों को बहुत अच्छा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो क्या होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए होगा एक जी दही है, ये दही मैंने लिया है 2 चम्मच, बस ये काफ़ी है। एक केला है, अंडे की ज़र्दी है। चूँकि आपके बालों पर डिपेंड करता है, चूँकि मेरे बाल ड्राई हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़र्दी सिर्फ इस्तेमाल करूँ, सफ़ेदी इस्तेमाल ना करूँ। ये है एलोवेरा जेल, ये बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। जर्दी में प्रोटीन होता है, बहुत अच्छी होती है। दही में प्रोटीन होता है। आपके जो ये है केला, इसके अंदर पोटेशियम है, आयरन है, प्रोटीन है, बहुत सी चीज़ें हैं। और ये बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही अच्छा मास्क होता है। और जी हमारे पास है ये रोगने, क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं नारियल का तेल। अच्छा, मैं नारियल का तेल से कहते हैं। और ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये हमारे पास कैस्टर ऑयल है, ये भी बालों को बहुत स्मूथ करता है, बड़ा अच्छा करता है। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है, ये है जी एलोवेरा, सॉरी ऑलिव ऑयल। और ये तो बालों की जान है ना, इसमें तो खैर हम ये सब चीज़ें इस पर डालेंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि ये सब मटीरियल हम किसके बालों में लगाते हैं। मैविश के बालों में लगाएंगे, मैविश आज मेरे साथ खड़ी हुई है। तो जी अच्छे से मिक्स हो गया है। वैसे कुछ लोग इसको ग्राइंडर में मिक्स करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको हाथ से कर लेना बेहतर है, क्योंकि ये आराम से हो जाता है और इसको थोड़ा ठीक रखना होता है। अगर आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नरम हो जाएगा और फिर बहता बहुत ज़्यादा। तो ये आपके एक बड़ा बेहतरीन मास्क तैयार हो चुका है, इसको बालों पे लगाएं और आप बालों के रिजल्ट्स देखिएगा। तो बाकी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अंडे के छिलके में से मैंने जर्दी निकाली है और इस अंडे के छिलके से मैं आपको चीज़ बनाना सिखाऊंगी अगली वीडियो में। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और आपके कमेंट्स की मैं मुंतज़िर रहूँगी। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर